हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर में एक बहुत ही बेहतरीन और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हम आपके लिए लाए, जिसमें 30 क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स के होंगे और न्यूमेरिकल्स 3 है। देखिए, आजकल शॉर्ट क्वेश्चन की काफी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है क्योंकि 20 मार्क्स के आपके एग्जाम में आने हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए चैप्टर वाइज जो हम रिविजन आपको करा रहे हैं उसमें हर चैप्टर में आपको एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलअप, असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन जरूर दे रहे हैं। तो ये सभी चीजें इस चैप्टर में आपको मिलेंगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। देखिए, जो नया पार्टनर को मिल जाता है वो ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइजिंग रेशियो में दी जाती है, तो आंसर टी होगा। आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व, बोथ रिमेन कंटिन्यूड, बोथ डिसॉल्व। तो देखिए, नए पार्टनर के आने के बाद ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फर्म नहीं डिसॉल्व होगी। फर्म डिसॉल्व होगी तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर में होता है, यानी कि फर्म काम करना बंद नहीं करती है, केवल कंडीशन चेंज होती है, तो केवल ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। ए एंड बी पार्टनर है, प्रॉफिट 3:2 में शेयर करते हैं, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और व्हाट वुड बी देयर न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान ऐसे क्वेश्चन में रखना है कि न्यू पार्टनर 1/4 के लिए है, तो उसका 1/4 किस किस में दिया उसको देख ले। देखिए, यहाँ पर ये आपका 5/20 है ना, ये 1/4 बनता है, यानी ये हो सकता है, ये 1/6 है, ये नहीं हो सकता, ये है 4/19, ये भी नहीं हो सकता, ये हो गया आपका 3/15, ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। तीसरे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फोर्थ, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज, नए पार्टनर के एडमिशन के समय में गुडविल एग्जिस्ट कर रही होती है, उसको क्या करते हैं, डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू रेशियो, डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। देखिए, जो गुडविल पहले से एग्जिस्ट करती है वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डेबिट कर दी जाती है, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है ओल्ड रेशियो से। इफ न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग फुल अमाउंट ऑफ हिज शेयर इन गुडविल इन कैश, देन द डेफिशिएंट अमाउंट ऑफ गुडविल इज, यानी कि नया पार्टनर जब अपने हिस्से की पूरी गुडविल कैश में नहीं ला पाता है तो जितना पैसा वो कम लाया होता है उसको क्या करते हैं, डेबिटेड टू इज लोन अकाउंट, डेबिटेड टू इज करंट अकाउंट, डेबिटेड टू इज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू इज कैपिटल। देखो, क्रेडिट तो होता ही नहीं है, डेबिट होता है, और डेबिट होता है करंट अकाउंट से। नया पार्टनर जितना पैसा कम लाया है वो उसके करंट अकाउंट से डेबिट कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ओनली वेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनी इज पेड फॉर इट, यानी कि किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से गुडविल को तब ही रिकॉर्ड करना चाहिए बुक में जब उसके लिए कुछ पेमेंट किया गया हो कैश में। तो AS 25, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, AS 26, AS 16, AS 10, तो AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से गुडविल को तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब कुछ उसके लिए पेमेंट कैश में किया गया हो। एन एसेट हैविंग बुक वैल्यू 10,000 टेकन बाय ए पार्टनर एक्स फॉर 12,000, इट इज रिकॉर्डेड एज, एक एसेट है 10,000 रुपए की, उसे एक्स ने ले लिया 12,000 रुपए। तो देखिए, इसकी एक छोटी सी जर्नल एंट्री पहले बना लो आप, एक्स डेबिट, एक्स ने लिया 12,000, ठीक है, 12 पे हो गया। टू एसेट, एसेट में आप 10 के लिखेंगे, फिर आपको प्रॉफिट हो गया तो आप लिखे टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि एडमिशन का क्वेश्चन है तो रिवैल्यूएशन मिल जाएगा। तो अब देखिए, ये सब चीजें कहाँ मिल रही है, या इनमें से जो जो आइटम ज्यादातर मिलेंगे उसको लिखेंगे, कौन सा सबसे क्लोज है, डेबिट रिवैल्यूएशन, ये तो पहले गलत हो गया कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट तब होता जब लॉस होता, यानी 10 की एसेट 12 में लिया तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये नहीं आएगा डेबिट रिवैल्यूएशन, ये भी गलत है। क्रेडिट रिवैल्यूएशन बाई टू, डेबिट एक्स बाई 10, ये तो ठीक है, लेकिन डेबिट एक्स बाई 10 की जगह डेबिट एक्स बाई 12 होना चाहिए, ये भी नहीं आएगा। तो क्रेडिट रिवैल्यूएशन बाई टू एंड डेबिट एक्स बाई 12, ये सबसे क्लोज है, तो आंसर इसका होगा बी। देखिए नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इफ एन ओल्ड पार्टनर गेन्स देन ही हैज टू पे गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थ्रू। देखिए, जब नया पार्टनर आता है तो जो गुडविल लाता है वो ओल्ड पार्टनर को दी जाती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी ओल्ड पार्टनर का रेशियो गेनिंग निकल आता है, यानी कि नेगेटिव सेक्रीफाइसिंग आता है, तो गेन कर रहा है ऐसा होता है वो,
वो गुडविल मिलती नहीं है उसको, उल्टा वो गुडविल पे करता है। तो वो गुडविल लिखा हुआ है इसमें कि उसको कहाँ से देनी पड़ेगी, देन ही हैज टू पे गुडविल टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर थ्रू करंट अकाउंट से दे, कैपिटल अकाउंट से देगा, करंट से देगा, कैश से देगा, लोन से देगा। तो देखो अगर ओल्ड पार्टनर को देनी है तो वो कैपिटल अकाउंट से लेता है, न्यू पार्टनर कम लाता है तो करंट अकाउंट से ले जाती है, लेकिन ओल्ड पार्टनर की अगर गुडविल पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है तो कैपिटल से। हाउ प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज ट्रीटेड, यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटी के रिवैल्यूएशन पर जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी को, उसको कैसे ट्रीट करते हैं, डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन न्यू रेशियो, डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन न्यू रेशियो, या ऑल पार्टनर है सभी को न्यू रेशियो बांटो, या ओल्ड है कि केवल ओल्ड वालों को न्यू रेशियो बांटो, डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो जो रेशियो यूज करते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो यूज किया जाता है केवल जो न्यू पार्टनर गुडविल लाता है उसके लिए, और न्यू रेशियो का कहीं यूज नहीं है, न्यू रेशियो केवल तभी यूज होता है जब नई पार्टनरशिप का प्रॉफिट हो, तो केवल ओल्ड रेशियो में ही होना चाहिए। तो ये न्यू रेशियो वाला नहीं आएगा, ये भी न्यू रेशियो वाला नहीं आएगा, ये दोनों ओल्ड रेशियो वाले हैं, लेकिन इसमें क्या लगे डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर, डिवाइडेड अमंग द, अच्छा ये सैक्रिफाइसिंग है ये भी नहीं आएगा, तो यही आएगा डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 10,000 एंड देर इज ए क्लेम ऑफ 12,000 अगेंस्ट इट, 10 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 है और उसके अगेंस्ट क्लेम 12,000 है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसको तो आपने डेबिट करना पड़ेगा, 10,000 है 10 केसेस में, और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,000 को 12 कर देंगे, अब 2,000 की कमी पड़ी, ये आपको रिवैल्यूएशन से लेने पड़ेंगे। तो अब देखिए कहां पर वर्कमैन कंपनी, ये सबसे नजदीक इसके क्या है, तो डेबिट रिवैल्यूएशन बाय 12 नहीं, रिवैल्यूएशन 12 से नहीं, 2 से डेबिट होगा, जितना कम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम से, डेबिट WCR 10, WCR 10 तो डेबिट होगा, WCC बाय 12 10 ये नहीं, 12 से क्रेडिट होगा, डेबिट रिवैल्यूएशन बाय 10, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बाय 2 ये भी नहीं है, रिवैल्यूएशन 10 से डेबिट होगा, ये देखिए डेबिट WCR 10, रिवैल्यूएशन 2, क्रेडिट WCC/12, ये है सबसे सही बिल्कुल सटीक जो है ये डी आएगा, रिवैल्यूएशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को 10 से डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन 2 से डेबिट करेंगे और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को 12 से क्रेडिट करेंगे, आपके सामने एंट्री। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी कि IFR इज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स एट 12,000, 12,000 रुपए से IFR है आपके पास, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गोज डाउन बाई 15,000, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000 घट गई है, तो व्हाट अमाउंट विल यू डिडक्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखिए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की जो भी वैल्यू दी हो वो आप लिखेंगे और वहां से आपको लेस क्या करना है, तो आपके पास 12,000 रुपए IFR है लेकिन वैल्यू कितनी कम हुई है 15, तो आपको पूरे 15 ही कम करने पड़ेंगे। देखिए कई बच्चे इसमें सोचते हैं कि 3,000 कम कर दो क्योंकि 12 वहां से कम हो गए, वो लॉस आपको जो है 3,000 का रिवैल्यूएशन से लेना है, 12,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से लेने, लेकिन वैल्यू तो आपकी 15 ही कम हुई ना, जो 15 कम हुई उसमें 12,000 रुपये आपने IFR से लेने हैं और 3,000 रिवैल्यूएशन से लेने हैं, लेकिन वैल्यू तो आपके इन्वेस्टमेंट की 15,000 ही कम हुई, तो आप 15,000 रुपये ही कम करेंगे इन्वेस्टमेंट। एबीसी पार्टनर है प्रॉफिट 532 में शेयर करते हैं, डी को 1/4 के लिए एडमिट किया, बी ने डिसाइड किया कि वो अपने शेयर अनचेंज रखेगा, व्हाट वुड बी न्यू पीएसआर, नया पीएसआर क्या होगा। तो देखिए दो चीजें आप ध्यान में रख रहे हैं, बी का रेशियो 1/4 और एक पार्टनर है बी, अब बी ने अपना डिसाइड किया अनचेंज रखना, तो बी का रेशियो है 3/10, तो जिसमें ये दोनों हो पहले ये देख लो, जिसमें दोनों नहीं होने के लिए आप जो है बाहर कर दें कंडेंसर से, 6, 3, 9 और ये हो गया आपका 15, 20, 1/4 इसमें तो आ रहा है, ये आपका 1/4 इसमें आ रहा है, अब बी का देख लीजिए बी का कितना है 3/10, इसमें 3/20 आएगा, तो बच्चे ये वाला तो बात 3/10 आना चाहिए, ये नहीं आ रहा, इसमें देखिए 8 और 9 17, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, 17 अगर डिनोमिनेटर आ रहा है तो 4 और 10
जो है इसके मल्टीपल में नहीं आने का, ये बाहर हो गया। अब देखिए ये कितना है, 5 दिन, 8 और 9, 17, ये भी है, ये भी नहीं आएगा, ये तो दोनों बल्कि एक ही जैसे हो गए, गलत समझा, इसको भी आप आउट कर दीजिए, ये थोड़ा बाई मिस्टेक दोनों एक जैसे बन गए। तो देखिए अब ये देखिए, 9 और 12 21, 21 9 30, 30 और 10 40, देखिए 10 बाई 40, ये 1 बाई 4 बन रहा है। अब इसमें बी का देखिए, 12 बाई 40, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 3 से तो, या 4 से, तो 4 3 जा 4 10 जाए, तो यही वाला आंसर होगा, डी होगा आंसर, जिसमें 9 12 9 10, ये देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो इसका मतलब आपका आंसर वही होगा। अगर एक से ज्यादा में हो रही होगी ना कंडीशन सेटिस्फाई, तो फिर बाकी पार्टनर्स का भी निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें एक ही में हो रही है दोनों की सेटिस्फाई, तो वही आंसर होगा। ए बी पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, ए और बी ने डिसाइड किया फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, बी इज क्रेडिटेड विद ₹2,000 पर गुडविल, बट वुड बी ए शेयर इन गुडविल। अब देखिए क्या लिखा है कि बी को क्रेडिट किया गया है ₹2,000 गुडविल से। अब नया पार्टनर आया 1/4 के लिए, तो आपको इसको पहले, अब तो इसमें तो रेशियो निकालना पड़ेगा, देखो तुमको रेशियो निकालते हैं पहले इसमें, और आपको मालूम करना पड़ेगा किसका क्या रेशियो आ रहा है। तो 1 में से आप 1/4 माइनस कर दें, बच गया 3/4, 1/4 जो सी का रेशियो है ना उसको माइनस कर दें, 3/4 बच गया, ये ए और बी का है, इन्होंने इक्वली शेयर करने का फैसला किया, तो 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 3/8, 3/8, और उसका 1/4 था तो उसको डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 2/8, 3 3 2, 3:2, 3:2, ये न्यू रेशियो आ गया। अब देखिए बी को बोला गया, बी इज क्रेडिटेड विद 2000 फॉर गुडविल, तो बी का रेशियो क्या आएगा सेक्रीफाइसिंग, ये देख लेते हैं। बी का ओल्ड रेशियो था 2/5 और न्यू है 3/8, 40 आ गया, 5 से डिवाइड करें, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, 8 5 जा 5 3 जा 15, तो ये आ गया 1/40। और अब ए का भी निकालना पड़ेगा, तो ये बी हो गया ना, ए का भी निकाल दीजिए, ए का ओल्ड रेशियो 3/5 है, न्यू रेशियो 3/8 है, 40 LCM, 5 8 जा 8 जा 24, 8 5 जा 5 जा 15, 9/40, तो 9:1, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है। तो अब देखिए बी को क्रेडिट किया ₹2,000 से, जो कि क्या है 1/10 होगा गुडविल का, तो 10/1 कर दो इसको, यानी कि 20,000 हो गई गुडविल टोटल, 20,000 में से ए को मिल गई 2,000, तो बी को कितनी मिलेगी 18,000 मिलेगी, तो ये आ जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें आपको थोड़ा पहले सॉल्व करना पड़ेगा, रेशियोस में निकालना पड़ेगा आपको। देखिए नेक्स्ट, एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,000 वाज टेकन बाय पार्टनर एक्स फॉर 3,000, चूज करेक्ट ऑप्शन। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था ₹4,000 का, जो एक्स ने ले लिया ₹3,000, करेक्ट ऑप्शन चूज करिए, तो आप एंट्री बना लो इसकी, तो क्या एंट्री बनेगी, एक्स डेबिट ₹3,000 और टू रिवेल्यूशन ₹3,000, ये बनेगा इसके। इसमें कितने का था इससे कोई मतलब नहीं कि अनरिकॉर्डेड है, जितने में लिया उसके लिए एक्स डेबिट टू रिवेल्यूशन, डेबिट रिवेल्यूशन बाई 1, क्रेडिट रिवेल्यूशन बाई 4, डेबिट रिवेल्यूशन बाई 3, क्रेडिट रिवेल्यूशन बाई 3, ये क्रेडिट रिवॉल्यूशन बाइक, यही सबसे क्लोज बैठा है, बाकी कोई इसके आसपास नहीं। देखिए 15, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर बैलेंस इन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को क्या करते हैं, तो देखिए उसके लिए सिंपल रूल है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसके लिए सभी पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर है, जितने भी ओल्ड पार्टनर सब डेबिट और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो डेबिटेड टू ऑल पार्टनर इन न्यू रेशियो, लेकिन ओल्ड रेशियो होगा, न्यू मनी होगा, ये नहीं आएगा, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर क्रेडिट नहीं हो सकता, डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर, ये ऑल पार्टनर है ये भी नहीं होगा, ओल्ड पार्टनर हो जाएगा, डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट देखिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर डेटर्स एक्सिस्टिंग एट ₹53 एंड देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 3,000 पर पेड एंड डाउटफुल डेट, 53,000 डेटर्स हैं और प्रोविजन है ₹3,000, ठीक है, और इफ डेटर्स ऑफ 5,000 टर्न बैड, बैड डेट हो गया आपका ₹3,000। तो आपसे पूछा गया है कि अ प्रोविजन ऑफ 5% पर इज रिक्वायर्ड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, 5,000 का प्रोविजन की जरूरत पड़ेगी, तो आपको बताया कि कितना अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत है।
तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके एंट्री आपको करना पड़ेगा प्रोविजन डेबिट। कितना डेबिट होगा? 3,000 प्रोविजन है उसको डेबिट कर दो। बैड डेट 3 का, 5 का हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट 2। टू डेटर्स 5,000 रुपये डेटर में राइट ऑफ, तो रिवैल्यूएशन में कितने का? 2 है। अब आप देखिए डेटर थे आपके पास कितने? 53। 53 में से 5 बैड हो गए तो बच गया 48। इसको 5% प्रोविजन आपने बनाना है, तो ये हो गया 24। 24 ये और 2,000 ये, तो यानी कि आपको 4,400 डेबिट साइड ऑफ रिवेल्यूशन में लिखना पड़ेगा टोटल। इस केस में 2,000 रुपया जो आपको एक्स्ट्रा लॉस हुआ, 3,000 का प्रोविजन था लेकिन 2,000 रुपये का आपके पास, तो 5,000 का आपको बैड डेट हुआ, तो 2,000 का एक्स्ट्रा जो लॉस हुआ रिवेल्यूशन में गया। उसके बाद 53 में से 5 बैड डेट लेस कर देंगे, जो बचेगा 48 उस पर 5% प्रोविजन आएगा 24। 24 और 2, 4,400 जाएगा डेबिट। लेकिन नेक्स्ट ए बी पार्टनर है, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, सी को एडमिट किया 1/5 शेयर इन प्रॉफिट के लिए, सी ब्रिंग्स इन 250 एस कैपिटल। इफ एट द टाइम ऑफ सी एडमिशन टोटल एसेट ऑफ द फर्म वर 10 लाख एंड लायबिलिटी 2 लाख, व्हाट वुड बी सी शेयर इन गुडविल? देखिए 1/5 प्रॉफिट के लिए सी आया, 2.5 लाख रुपया कैपिटल आया। अब सी के एडमिशन किसमें? टोटल एसेट 10 लाख, लायबिलिटी 2 लाख है, तो सी की गुडविल क्या होगी? तो गुडविल पहले फर्म की निकाल दो। आप टोटल एसेट आपको 10 लाख दी है और टोटल लाइबिलिटी 2 लाख है, तो 8 लाख रुपये हो गए। और सी आया कितने? 1/5 के लिए, तो ये 1,60,000, 16,580 होता है, तो सी की गुडविल हो गई 1,60,000। एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, यार कैपिटल्स पर 370 एंड 250 ये इनकी कैपिटल है। जेड को एडमिट किया न्यू पार्टनर, इफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज 40,000, सी हैज टू ब्रिंग इन 1/4 तो कंबाइंड कैपिटल ओल्ड पार्टनर बट वुड बी जेड्स कैपिटल। देखिए क्या लिखा है कि कैपिटल इनकी 3,70,000, 2,30,000 है, तो कैपिटल जोड़ लो 370 और 230, इसको हम ऐड कर लेते हैं पहले। ये हो गया आपका 6 लाख हो गई कैपिटल, ठीक है। अब ये रिवेल्यूशन का प्रॉफिट भी आपको लेस करना पड़ेगा इसमें से 40,000, तो 5,60,000 इनकी कंबाइंड कैपिटल आ गई। अब सी ब्रिंग्स 1/4 तो कंबाइंड, कंबाइंड का ही 1/4 लाया, तो सीधा इसी का 1/4 दो, तो 4 1 जा 4 4 जा 1,40,000। ये देखिए ये डी आ जाएगा आंसर। देखिए 19th क्वेश्चन, ए बी पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, सी को एडमिट किया फॉर ए 5th शेयर इन प्रॉफिट। इफ आफ्टर सी इज एडमिशन बीस कैपिटल इज 320, व्हाट वुड बी सी इज कैपिटल? देखिए 1/5 के लिए एडमिट किया ना, 5th का मतलब 1/5 होता है, तो 1 माइनस 1/5 तो बच गया 4/5। ये 4/5 है ए और बी का, इनका न्यू रेशियो क्या होगा बताया नहीं है, तो 3/5 और 2/5 में ही बांटेंगे, तो रेशियो आ जाएगा 12/25 और 8/25 और उसका हो गया 5/25। 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/5 ये न्यू रेशियो है। अब क्या बोला आपको कि इफ आफ्टर सी इज एडमिशन बीस कैपिटल इज 320, अब बी की कैपिटल है 320 और बी का रेशियो कितना आ रहा है? 8/25, तो इसको उल्टा कर दो, 25/8 ये हो गई टोटल कैपिटल। अब आपसे पूछा गया है कैपिटल किसकी पूछे, कैपिटल आपसे सी की, सी का रेशियो कितना है? 1/5, 5 से काटेंगे 5 आएगा। अब 320 को आप 8 से डिवाइड कर दो, 8 4 जा और 4 5 जा, तो 2 लाख रुपया के सीख रहे, तो क्या आ जाएगा आंसर? बी। एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ हिज बैड हैज नाउ प्रॉमिस्ड टू पे रुपीज 5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, हाउ विल इट बी रिकॉर्डेड? देखिए एक पार्टनर था, एक कस्टमर था पुराना, जिसके हमने 5 पहले कुछ पैसा से देता, वो राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन अब उसने प्रॉमिस किया है कि हम इसे 5,000 रुपये हम आपको दे देंगे, तो पहले प्रॉमिस बेसिस पर हम इसको नहीं लिया करते थे, लेकिन जहां तक मैं याद रहा 2016 में या इसके आसपास कहीं सीबीएसई ने जो अपनी मार्किंग स्कीम दी थी उसमें इसको इंक्लूड किया था, तो इसको हाउ विल इट बी ट्रीटेड, कैसे रिकॉर्ड होगा? तो नॉट रिकॉर्डेड तो नहीं होगा, पहले होता था लेकिन अब सीबीएसई ने जब इसको दे दिया मार्किंग स्कीम में रिकॉर्ड करना है तो क्या किया जाएगा? देखिए अब इसको अब अपने डेटर में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डेटर डेबिटेड रिवैल्यूएशन ये नहीं होगा, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन में होगा, एडिटेड टू डेटर एंड क्रेडिटेड रिवैल्यूएशन ये होगा, डेटर में ऐड कर दो, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दो, प्रॉफिट हो गया आपको, प्रॉमिस किया उसने तो मान लेंगे कि वो देगा पैसा।
अब देखिए ये आपके एमसीक्यू हो गए। अब फिल इन द ब्लैंक्स। गुडविल एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज डेबिटेड टू डैश पार्टनर इन डैश इश्यू। गुडविल जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है वो डेबिट की जाती है ओल्ड पार्टनर को इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में ही आपको यहां भी ओल्ड आएगा, दोनों जगह ओल्ड, ओल्ड रेशियो में ही एड चली जाएगी। इफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप इज 16 लाख एंड न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू 1/4 शेयर, कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर विल बी। नई पार्टनरशिप देखिए, कंबाइंड कैपिटल ओल्ड पार्टनरशिप की 16 लाख है और न्यू पार्टनर 150 लाया, तो जब बोला हुआ नहीं होता तो वो टोटल कैपिटल का 1/5 लाएगा, कंबाइंड का नहीं लाएगा। तो कंबाइंड रेशियो क्या होगा, 1 - 1/5, इसका जो ये लेस कर दो 4/5। अब देखिए 16 लाख कैपिटल है कितने के लिए, 4/5 के लिए, तो 5/4 कर देते हैं सब, ये हो गई टोटल कैपिटल। अब इनटू 1/5 लगेगा टोटल, 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से करोगे तो 4 लाख आएगा, तो यहां पर आपको लिखना होगा 4 लाख उसकी कैपिटल बनती है। नेक्स्ट, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, रेशियोज आर ट्रीटेड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर न्यू रेशियो ना दिया हो तो किस रेशियो को सैक्रिफाइसिंग माना जाता है, तो फिर ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिया जाता है। एक्सेस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ओवर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट। अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ज्यादा हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, तो जितना ज्यादा होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टू डेबिट साइड, साइड डेबिट होती है ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको लिख देते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज ट्रांसफर टू डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट व्हेन ऑल डेटर्स आर गुड। अगर सारे डेटर अच्छे हो तो प्रोविजन आपको जो बना हुआ था उसे हटाना होता है, तो ये आपके प्रॉफिट होता है, तो ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूशन अकाउंट, ये फिलअप्स हो गए। देखिए अब ट्रू फॉल्स है, व्हेन न्यू पार्टनर is paid his share of goodwill privately to old partner, it will be recorded in old profit sharing ratio. जब new partner अपने goodwill का share privately देता है तो उसको old ratio में record करता है, तो ये false है क्योंकि record ही नहीं करते। If new partner is unable to bring his share of goodwill in cash, his capital account is debited with the share of goodwill. देखिए जब new partner goodwill नहीं ला पाता है cash में, तो उसकी capital को debit किया जाता है, ये भी false है, current account को debit किया जाता है। न्यू पार्टनर पेड कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर फॉर लॉस सफर्ड बाय देम ड्यू टू हिज एडमिशन, ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो लॉस ओल्ड पार्टनर को हो रहा है उसके आने के कारण से, उसके लिए कैपिटल, उसके लिए गुडविल होती है, तो कैपिटल तो देता है वो अपने शेयर के लिए, जो उनको लॉस होता है उसके लिए गुडविल भी किया जाता है, तीनों ही फॉल्स है। असर्शन रीजन, देखिए अगर आप दोनों सही है असर्शन रीजन, तो आप पहला वाला ऑप्शन देना कि बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस तरह से आप उठते हैं, ये 4 ऑप्शन होते हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए असर्शन, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड टू ब्रिंग देम टू देयर करंट मार्केट वैल्यू। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं, जिससे वो उनकी करंट वैल्यू तक आ जाए, करंट मार्केट वैल्यू, पता है ये तो ट्रू असर्शन। रीजन क्या है कि न्यू पार्टनर इज नाइदर एलिजिबल टू शेयर प्रॉफिट नॉर रिस्पॉन्सिबल टू शेयर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एज दीज आर एक्जिस्टिंग प्रायर टू एडमिशन। कि नया पार्टनर ना तो प्रॉफिट के लिए एलिजिबल है, यानी कि रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट होगा उसके लिए, ना ही लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी सही है, तो दोनों ठीक है। अगर आप इसको जोड़ें तो बिकॉज या सिंस लगा के जोड़ें तो आपको पूरा आंसर मालूम पड़ जाएगा, इसका मतलब रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और इसको बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन रीजन, तो आंसर ए हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखिए नेक्स्ट, न्यू पार्टनर पेड कैपिटल, असर्शन है न्यू पार्टनर पेड कैपिटल एंड हिज शेयरिंग गुडविल टू ओल्ड पार्टनर एट द टाइम ऑफ हिज एडमिशन। जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो वो अपने हिस्से की कैपिटल और गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को दे देता है कि भाई ये मेरी कैपिटल, ये मेरा गुडविल, तो ये असर्शन सही है। अच्छा रीजन क्या दिया गया है कि कैपिटल कंपनसेट्स ओल्ड पार्टनर्स लॉस इन प्रॉफिट एंड गुडविल टू हैव ए प्रोपोर्शनेट शेयर इन प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ एसेट। तो देखिए ये गलत, अभी मैंने पहले बताया कि कैपिटल वो देता है अपने प्रॉफिट के लिए, ना कि जो पार्टनर को लॉस होता है उसके लिए, तो रीजन आपका गलत ही हो गया। रीजन एक तो होता है, रीजन भी सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता, रीजन गलत है। तो
इसका आंसर होगा ओनली असर्शन इज करेक्ट। तो देख लीजिए ये सी, इसका आंसर आएगा सी। सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 में। डी को न्यू पार्टनर एडमिट किया फॉर 1/6 शेयर। डी 3 लाख कैपिटल लाया, 60,000 गुडविल लाया, आउट ऑफ शेयर 90, यानी कि लानी 90,000 थी, 60,000 लगाया। और ये डिसाइड हुआ कि जो नया पार्टनर, जो पुराना पार्टनर है सी, जिसका रेशियो पहले ये था 1/6, अब इसको चेंज करके रेशियो दिया जाएगा 1/4। तो आपको क्या करना है, न्यू रेशियो भी निकालना है और जनरेटिव भी देनी है। तो पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर सेक्रीफाइसिंग करना पड़ेगा, फिर जनरेटिव करेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, ए बी सी, ये 3 पार्टनर है। ओल्ड रेशियो है इनका 3:1, यानी कि 3/6, 2/6, 1/6। न्यू पार्टनर एडमिट हुआ सी फॉर 1/6 शेयर। तो अब आपको न्यू रेशियो निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा। 1 मान लो न्यू रेशियो को, तो इसमें से आप 1/6 तो घटाओगे ही, किसका, न्यू पार्टनर डी का, सॉरी न्यू पार्टनर डी हमने यहाँ लिख दिया सी, तो डी कर देते हैं। चलिए डी, तो 1/6 जो है न्यू रेशियो, न्यू पार्टनर का रेशियो होगा डी का, और एक पार्टनर सी है, इसका रेशियो आपको 1/4 रखना है फ्यूचर में। ये दोनों आप लेस करते पहले, तो देखिए ये आ जाएगा 1 माइनस, इसका एलसीएम आएगा 12, 6 2 जा 2 1 जा 2, 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 1 जा 3, तो 5/12, 1 में से 5/12 गया, तो बचेगा 7/12। तो ये 7/12 हो गया ए और बी का। अब इनका फ्यूचर रेशियो क्या होगा, देखिए कुछ दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया फ्यूचर रेशियो, तो फिर क्या करेंगे, दोनों 3:2:1 था ना, 3:2:1, तो इसको तो दे दिया नया रेशियो, इसको हटा दिया, तो ये दोनों फिर अभी भी 3:2 वही शेयर करेंगे, ये माना जाता है इसमें। तो ये ले लेगा बचे हुए प्रॉफिट का 3/5, और ये ले लेगा 2/5। तो न्यू रेशियो क्या आएगा, देखिए 7 3 जा 21 और 12 5 जा 60, ये एक आ गया। डी का आ जाएगा 7 2 जा 14 और 12 5 जा 16, 14/60, और सी का 1/4 है, तो 1/4 है ना, तो 1/4 को आप 60 करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो रेशियो हो जाएगा 15/60, और डी का 1/6 है, तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 10/60। देयरफॉर न्यू रेशियोज 21:14:15:10। तो अगर ये किसी नंबर से कट सकते हैं, किसी एक ही नंबर से सब, तो काटना चाहिए था, ये रूट छोड़ दो, ये नहीं कटेंगे किसी एक नंबर से सब, तो उसके ये छोड़ देते हैं। तो न्यू रेशियो हो गया 21:14 और 10। अब हमें क्या करना है, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। Therefore, sacrificing ratio of, सबसे पहले ए का निकालिए, 3:2:1 था, तो ए का हो गया 3/6 ओल्ड रेशियो, 21/60 न्यू रेशियो, एलसीएम हो जाएगा 16, 6 से काटेंगे 10, 10 3 जा 30, 60 से काटेंगे 1, 1 into 21, 21, 9/60। बी का देखिए 2/6 था ओल्ड रेशियो, और अब है 14, 14 out of 16, तो 14/60, 60 एलसीएम, 6 10, 10 2 जा 20, 60 60 1, 1 into 14, 14, 6/60। सी का निकालते हैं, तो सी का 1/6 था ओल्ड रेशियो, 3:1 था ना, तो 1/6, और न्यू रेशियो है 15/60, 60 एलसीएम, तो 6 से ऐसे डिवाइड करेंगे 10, 10 into 1, 10, 60 60, 1 into 15, 15, तो -5/60। तो ये देखिए, ये -5/60 आ गया ना, माइनस आ गया अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो इसका मतलब गेन कर रहा है। तो ये सी को गुडविल मिलेगी नहीं, जो गुडविल नया पार्टनर है उसमें से ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, सेक्रीफाइस केवल इन दोनों ने किया है। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले आप देख लें क्या बनता है,
9:6 या 3 से कर सकते हैं और 3:2, ये इनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो बन गया। तो इस रेशियो में दोनों गुडविल शेयर करेंगे और सी को उल्टा ला के देनी पड़ेगी गुडविल। कितनी ला के देगा ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? न्यू पार्टनर की गुडविल देखिए कितनी थी, क्या लिखा है, 60 गुडविल लाया आउट ऑफ हिज शेयर 90, 90 लाने की थे तो 90,000 हुई नए पार्टनर की गुडविल। 90,000 यहां लिख दीजिए। दानी थी इसको कितने के लिए लाया ये 1/6 के लिए, तो 6/1 ये हो गया टोटल गुडविल। 1/6 के लिए 90 लानी थी तो 90 × 6/1, और नेगेटिव कितना आया नए पार्ट पूरा सी का 5/16, तो 6 0 से 0 का रखते हैं, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल, और मल्टीप्लाई करेंगे 9,000 × 5 45,000, यानी कि 45,000 गुडविल देनी पड़ेगी सी को। तो अब देखिए हम इसके एंट्रीज यहाँ बना सकते हैं। अब हमें पता चल गया, अब ये बात हम यहाँ पर पहले मार्क कर लेंगे कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो जो है वो ए और बी का है 3:2, और सी ए करेगा ₹45,000 एज गुडविल। बस अब और कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पहले देख लेते हैं कितनी कैश लाया कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए। तो सी लाया 3 लाख कैपिटल, 60 गुडविल, तो इसकी एंट्री कर लेंगे अब हम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब ये कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रांजेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 3 लाख रुपीज कैपिटल है, 60,000 प्रीमियम के लिए कैश में लाभ है, लाना 90 था पर 60 लाभ है, कोई बात नहीं जितना लाया उतना ले लो। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, जो ये 60 लाख से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट केवल ए और बी को मिलेगा, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए और बी को दे दो 60,000 रुपीज जो लाया है ये 3:2 के रेशियो में, तो 3:2 का रेशियो जो है इसका टोटल हो गया 5, 5 से 12, 12, 12 3 जो 36, 12 2 जो 24, तो जो गुडविल लाया था वो तो बढ़ गई, उसके बाद जितनी ये कम लाया है उसे इसके करंट अकाउंट से एंट्री करो, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 20 कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल जितनी डेफिशिएंट थी, यानी कि 90 लेंथ थी, 60 लिया तो 30 कम रह गई, 30 को भी 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो ये तो जो सी को लाना था वो हो गया। अब क्या हुआ कि एक पार्टनर जो सॉरी जो डी को लाना था वो हो गया, हमने यह सी लिख दिया गलती से, ये डी करना पड़ेगा हमें, डी या नया पार्टनर, यहां पर भी हम डीज करंट अकाउंट करेंगे। अब एक पार्टनर पुराना जो है ना सी, सी का रेशियो नेगेटिव बना था तो 45,000 निकली थी गुडविल, उसको भी गुडविल लानी 45, तो एंट्री बनेगी उसकी कैपिटल से ली जाएगी एंट्री, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट डीज कैपिटल अकाउंट। 45,000 सी से लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे से भी 9 आएगा, 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो देखिए इस तरह से आप हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो मेन ध्यान रखना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाना चाहिए, उसी में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब चीजें बनानी होती है। क्वेश्चन है कि एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट 2:2:1 में शेयर करते हैं, न्यू पार्टनर एडमिट किया उन्होंने
डी को 1/6 शेयर प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए ना, रेशियो ओल्ड दे रखा है 2:1 और नया पार्टनर 1/6 लाया, तो सबसे पहले देखिए कि आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है कि नहीं निकालना है, क्योंकि गुडविल जो नया पार्टनर लाता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो अगर आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, या आपको बताया हुआ है कि नया पार्टनर इससे इतना लेगा उससे इतना लेगा, तब भी आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो गुडविल के लिए आप ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान के यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कैपिटल एडजस्ट करनी है ओल्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर, फिर तो आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए डी 220 कैपिटल लाया, 180 गुडविल फर्म के, उसमें से अपना शेयर लाना है, और नीचे कहीं कोई एडजस्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें बताया हो कि रेशियो चेंज हो रहा है क्या, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो वही रहेगा 2:1, लेकिन कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर वर्ट टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल, डी की कैपिटल के बेसिस पे कैपिटल एडजस्ट करनी है सभी पार्टनर की, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीन पार्टनर है ए बी सी, इनका रेशियो दिया है 2:1, यानी कि 2/5, 2/5 और 1/5। न्यू पार्टनर आया है डी और 1/6 शेयर, तो देखिए न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, सपोज न्यू रेशियो का टोटल 1 है, इसमें से आप 1/6 माइनस हो गए जो न्यू पार्टनर है उसका, तो 6 बन गया 6, 6 में से बन गया 5, 5/6 बच गया। जो ये 5/6 बचा है ये किसका है, ए बी और सी का, इनका रेशियो 2/5, 2/5 और 1/5 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा, 5 2 10 और 6 5 30, इसका भी उतना ही आएगा 10/30, और इसका आ जाएगा सी का 5 1 5 और 6 5 30, तो न्यू रेशियो हो गया 10:10:5, और न्यू पार्टनर का 1/6 है ना, तो उसे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 5/30 ही हो जाएगा उसका भी, तो ये लिख देंगे 5, तो 10:10:5:5। अब ये सब अगर आप चाहें तो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 2:2:1:1, ये न्यू रेशियो है 2:2:1:1, तो अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो यही रहेगा 2:1 ओल्ड रेशियो, लेकिन कैपिटल आपको बोला हुआ है कि डी की कैपिटल के बेसिस पे एडजस्ट करनी है, तो हम ऐसा करते हैं कि न्यू कैपिटल पहले निकाल लेते हैं, तो देखिए डी आया है 2,20,000 रुपीज से कैपिटल डालेंगे, तो टोटल कैपिटल पहले कैलकुलेट करते हैं। टोटल कैपिटल 220 × 6/1, 1/6 है ना, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो टोटल कैपिटल रह जाएगी 0,000,6 × 12, 6 × 12 और 13,20,000 टोटल कैपिटल, तो ए की कितनी होगी, अब इसे आप फिर 6 से काटोगे तो वही आएगा 220, तो 220 × 2, 440, बी की भी 440 ही रहेगी, ये हमने पहले निकाल लिया, बाद में नहीं निकालना पड़ेगा, सी की 220 आ जाएगी और डी की तो गिवन ही है 220, तो कैपिटल हमने पहले ही मालूम कर लिया। अब गुडविल निकाल लो कितनी आएगा, यहां आप लिख लें पड़ता है डीज गुडविल 180 दी हुई थी पूरी फर्म की गुडविल, और डी आया है 1/6 के लिए, यानी कि 30,000 गुडविल से लानी है, तो अब हमें ज्यादातर चीजें मालूम पड़ गई, हमें न्यू कैपिटल मालूम पड़ गई, ये हम लास्ट में यूज करेंगे, हमें डी की गुडविल मालूम पड़ गई, सेक्रीफाइसिंग हमें मालूम है कि ओल्ड रेशियो रहेगा, तो अब हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दो अकाउंट हमारे पास है जिनमें पहले से बैलेंस आता है, कैपिटल में और कैश में, तो कैपिटल 350, 250 और 2 लाख है, इनको हम पहले लिख देते हैं यहां बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन,
250 और 2 लाख, ठीक है बेटा। अब आइए कैश पर, कैश का बैलेंस है 60,000, इसको यहां लिख देते हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 रुपीज। अब हमने एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले एडजस्टमेंट को हम फिनिश कर लेंगे। ये डी हैज टू ब्रिंग इन 220 एज कैपिटल, 2,20,000 कैपिटल, और गुडविल लाएगा अपने हिस्से की जो कि हमने अभी निकाली 30,000। यहाँ लिखेंगे टू डीज कैपिटल, डी की कैपिटल है 220 और टू प्रीमियम और गुडविल 30,000 गुडविल प्रीमियम है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको कैपिटल अकाउंट में लिख देना है। यहां हम लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, तो डी की कैपिटल में आपने लिख देना है 220 और प्रीमियम आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, पाई प्रीमियम और गुडविल 30,000 प्रीमियम लाया गुडविल के लिए, 2:1 ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइजिंग आएगा, तो 5 से डिवाइड करोगे 30 को 6 आएगा, 6 2 12 इसको दे दो, 12 हो गया बी का और 6 हो जाएगा सी। ये गुडविल का ट्रीटमेंट और कैपिटल का हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक है। अब जो चीजें हैं वो सब रिवेल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड ज्यादातर आइटम होता है। तो पहला वाला तो हमने कर लिया कि डी कैपिटल आया और गुडविल आया, उसे कर दिया। अब कह गया अ डेटर ऑफ 5,000 टर्न बैड, 5,000 का एक डेटर जो है वो बैड हो गया और 2% इज रिक्वायर्ड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट और 2% बैड एंड डाउटफुल डेब्ट का रिजर्व होता। तो देखिए आपके पास डेटर के लिए प्रोविजन है 3,000 रुपीज और बैड डेप्ट हुआ कितना 5,000 रुपीज, तो 2,000 ज्यादा हो गया बैड डेप्ट। तब यहाँ क्या लिखेंगे टू बैड डेप्ट 2,000 रुपीज। अब 2,000 ये और 3,000 प्रोविजन, 5,000 रुपये बैड डेप्ट हो गया, ठीक है। ये लेस हो जाएगा, मतलब 5,000 जो बैड डेप्ट हो उसमें 3,000 यहाँ से कवर हो गए, 2,000 रिवेल्यूशन से ले जाए, बचेगा कितना 168। अब इस पर आपको कितना प्रोविजन मिलाना है, 2% मिलाना है, 168 पर 2%, ये 2 0 काटे आपने, ये बन गया 1%, 1,600 रुपये। तो आ गया आपके टू प्रोविजन ऑन डेटर्स, ये आ जाएगा 0 2 8 16, तो 6 12 और 113, 2 2 और 13, 3,360, ये हो गया प्रोविजन ऑन डेटर और बैड डेटर। देर इज ए क्लेम ऑफ 15,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए 15,000 का क्लेम है। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन आपके पास 40,000 रुपए है, तो जो ये क्लेम है ना 15,000 का, इसको तो आप पहले ही बैलेंस शीट में डाल दो, नहीं तो कहीं भूल चूक हो जाती है। यहां हम लिख देते हैं सबसे ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 15,000 रुपीज। अब देखिए हमारे पास प्रोविजन है कितना वर्कमैन कंपनसेशन का, रिजर्व 40,000, तो 15 का क्लेम हो गया तो 25 बच गया, तो ये 25 हमें इन तीनों में बांटना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर। यहाँ लिखेंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, सॉरी रिजर्व, 25,000 को 5 से काटोगे 5 आएगा, 5 × 2 10, इसको दो 10, इसको क्रेडिट कर दो और 5 इसको क्रेडिट कर दो, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट का ट्रीटमेंट, ऐसे 7 साल आप ट्रीटमेंट करते चलेंगे कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये हो गया पहला ट्रीटमेंट, ये हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज गॉन अप बाय 20 एंड व्हाइल प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज बाय 5%, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10-20% बढ़ी है। लैंड एंड बिल्डिंग है 2,50,000 रुपये की, तो इसमें प्रॉफिट हो गया आपको 50,000 रुपये, 20% इसका 50,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे बाई
लैंड एंड बिल्डिंग्स 50,000 रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी की 5% कम हुई है, तो उसको यहां लिख देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी है 320 की, तो 10 काटा 32,000 हो गया 10%, तो 5% इसका आधा करने हैं आप 16,000। ये लिखिए। अब नेक्स्ट क्या है, ये भी हो गया इसको टिक। नेक्स्ट है स्टॉक इंक्लूड्स एन ऑब्सोलीट आइटम 8 व्हिच इज नाउ वैल्यूड एट 30%। स्टॉक में एक ऑब्सोलीट आइटम है जो कि 8,000 रुपए का था लेकिन व्हिच इज नाउ वैल्यूड एट 30%, अब उसकी वैल्यू 30% है यानी कि 70% वैल्यू कम हो गई। तो 8 7 56, 5600 का आपको इसमें नुकसान हुआ। इसको आप यहाँ लिखते 56 टू ऑब्सोलीट स्टॉक। चलिए ये भी हो गया, इसको भी मार्क कर सकता हूँ। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज गॉन डाउन बाय 40,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40,000 कम हो गई, इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, 40,000 वैल्यू कम हो रही है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपये का फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में 40,000 का लॉस है, तो यानी कि 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा लॉस है। तो उसको यहाँ लिखो टू इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज आप यहाँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में से 40,000 लेस कर देंगे। ये भी कवर हो गया। डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर फॉर 12 इज नॉट सेटल्ड फॉर 15। क्रेडिटर में एक लाइबिलिटी 12,000 रुपये में इंक्लूड है जो कि अब सेटल 15 हो गई, तो 3,000 का इसमें भी लॉस है। तो यहाँ देखो टू क्रेडिटर्स 3,000 रुपये ये ऑल्टर, ये भी कवर हो गया। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट 2 मंथ, लास्ट 2 मंथ का इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन देना बाकी है। तो देखिए 1,20,000 है बैंक लोन और 6% इंटरेस्ट है, ये साल का होगा, 2% आपको निकालना है। 2 by 12, ये 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 12 को तो आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1,200 रुपीज इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। इसको भी आप रिवेल्यूशन में लिखना पड़ेगा आपको, टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक लोन 1,200। ये भी टिक। फर्नीचर वैल्यूड 5,000 बस अनरिकॉर्डेड एंड शुड बी ब्रॉट इन अकाउंट। 5,000 रुपये का फर्नीचर इसको टिक कर लेते हैं, अनरिकॉर्डेड है, इसको अकाउंट में ना है, तो ये हमारा प्रॉफिट है, इसको हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे लेंगे। 5 अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 5,000 रुपीज। चलिए ये भी हो गया। अब क्या बच गया लास्ट, की कैपिटल ऑफ पार्टनर एडजस्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल। तो इसके लिए क्या तरीका है, सिंपल कि आप पहले ही ये कैपिटल लिख दो, जो हमने निकाल रखे थे ना उन कैपिटल को हम पहले लिख देंगे, ये कैपिटल पहले कैरी डाउन। तो जो हमको एडजस्टमेंट दिए थे वो सारे एडजस्टमेंट हमने टैकल कर, अब यानी कि आपका मेजर पार्ट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब गलती होने के चांस कम हो जाते हैं अगर आप ये ढंग से कवर कर लेते हैं, और कोई मुश्किल भी नहीं जाता। अब हमको क्या करना है, बैलेंस शीट में एक बार देखना है कि कौन सा आइटम ऐसे है जो डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया, जनरल रिजर्व बचा है, ठीक है, तो जनरल रिजर्व कितना है 50,000, इसको हम पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं। जनरल रिजर्व 50,000 है और 2:1 रेशियो 5 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 2 20, 10 2 20 और 10 1 10। अब देखिए और क्या बचता है, गुडविल, गुडविल आपको राइट ऑफ करनी पड़ेगी, यहाँ लिखो डेबिट में टू गुडविल, गुडविल है 30,000, 5 इनका ओल्ड रेशियो 2:1 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 6 2 12, 12,000, फिर 12,000 और 6 1 6। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको भी आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये है 50,
फाइव साइड भी ऐड करोगे 10 आएगा, 10 2 20, 10 2 20, 10 1 10, ये भी होता है। इसके अलावा इसमें और कोई आइटम है सर? ये तो यानी कि क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। देखिए वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो जाए इसलिए केवल कुछ कैलकुलेशन वर्क जो है वो हमने करके रख लिया है, आपका जल्दी से बता देते हैं। तो सबसे पहले पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करना है और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना है। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में 55,000 क्रेडिट में है और इधर कम है, तो ये प्रॉफिट आ रहा है आपका 13,840। इसको तीनों पार्टनर में 2:1 में बांटेंगे तो 55 36, 55 36, 27 68 आएगा, ठीक है। इसको हम डाल देंगे कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में आ गया 55 36, 55 36, 27 68। अब इनकी जो कैपिटल है क्लोजिंग, वो कैपिटल हमने यहाँ डाल देंगे। कैपिटल हमने पहले निकाल रखी थी, देखिए 440 440, यानी 440 440, 220 और 220, इसको हम यहाँ लिख देंगे कैपिटल को। ये आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन। उसके बाद देखेंगे किस साइड में बैलेंस कम या ज्यादा, उधर बाई कैश या टू कैश लिखेंगे। तो ये वाला पैसा होना चाहिए और ये है, तो इनके पास होना चाहिए 472, है कम तो 74 464 और लाने पड़ेंगे ना। इनके पास भी 472 होना चाहिए लेकिन कम है, 174 464 और लाने पड़ेंगे। इनके पास 236 होना चाहिए, कम है, 12,232 और लाने पड़ेंगे। इनका कोई हिसाब नहीं क्योंकि इनके बेसिस से सबके यूनिट एडजस्ट किया। जो ये कैश लाएंगे उसको हमने कैश अकाउंट में प्लेस कर दिया, टू एस कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। तो कैश अकाउंट के बैलेंस मतलब 571 160। इतने काम के बाद अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट कैसे, देखिए बैलेंस शीट बनाने के लिए आप बैलेंस शीट के फिगर्स देखते जो यहाँ से क्या क्या आइटम है और उनमें जो रिवैल्यूएशन में प्लस माइनस है उसको करते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कैश, कैश है 60, लेकिन हमने जो ऊपर कैश का बैलेंस निकाला था वो था 571 160, ये कैश का बैलेंस था। इसके बाद है सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स हैं 173। इसमें से आप लेस करें बैड डेट 5,000 के, तो बैड डेट हो गए थे, और प्रोविजन बनाया हमने उसके बाद 2% जो आया था हमारा 3,360। तो लेस करेंगे तो ये आ गया 164 640। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है गुडविल, ये हमने राइट ऑफ कर दिया था। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 250, इसमें 20% वैल्यू इंक्रीज हुई थी तो आपको प्लस करना पड़ेगा 50,000 रुपीज, 20% यानी कि 50,000 रुपये। ये हो गया 3 लाख। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी हमने राइट ऑफ कर दिया था। फिर फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इसकी वैल्यू है 180, इसमें एक अनरिकॉर्डेड था फर्नीचर, उसको ऐड कर देंगे तो कितना हमारा 5,000 का ये हो जाएगा 185। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन ये है 320, इसमें वैल्यू डिक्रीज हुई थी 16,000, 5% डिक्रीज था तो 16,000 रुपये, ये बच गया 3,04,000 का। नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक है 40,000, इसमें ऑब्सलीट स्टॉक इंक्लूड था क्योंकि 8,000 का था, नहीं 8,000 का था, 30% वैल्यू रहेगी यानी कि 70%, तो 7,5600 हमें इसमें कम कर लेते हैं, 56 का फॉल हुआ था, ये आ जाएगा 34,400। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट जगह थोड़ी कम हो रही है तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था उसमें 40,000 की फॉल थी तो 60 का बच जाएगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है एक साइड हुआ। अब इसको हम नीचे इसका टोटल याद रखें। अब आते हैं दूसरी साइड, लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले है कैपिटल्स, यहां हम लिखेंगे कैपिटल्स, ए बी
चार पार्टनर है। नई कैपिटल जो इनकी कैरी डाउन करी थी 440, 440 इसकी भी आ जाएगी। टोटल आ जाएगा 13,20,000। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 120 के, इसमें भी 3,000 की इंक्रीज हुई थी। एक क्रेडिटर की वैल्यू जो 12 था वो 15 हो गई, इसको भी आप जोड़ दें 123। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यूज हो गया पूरा, कुछ क्लेम में चला गया 15,000 रुपये पहले लिखा हमने, बाकी बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज हो गया 6% बैंक लोन। ये है 120, इस पर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हमने निकाला था 2 महीने का 1200, ये आ गया 121,200। लास्ट है इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसमें बैलेंस है 40,000। अब हमने सारी चीजें लिख दी हैं, अब हमें इनका केवल टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल 16,19,200 बराबर आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन प्लस। तो इनको अच्छे तरह से देखिए, क्वेश्चन पेपर को मैंने आपको पहले से बोला डाउनलोड कर लिया पहले, और उसके बाद अपने आप सॉल्व करें, फिर जो आपको प्रॉब्लम आती है वो इन सॉल्यूशन से आप मैच करें। कंटेंट अगर ठीक लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।